Hey everyone, welcome back to our channel. We are diving into another concept, call by value and call by reference. आज की इस वीडियो में हम call by value के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे अगर functions को call करना है और किसी भी parameter को अगर pass करना है तो call by value से मुराद क्या है और call by reference से मुराद क्या है. तो call by value जो है इससे मुराद ये है कि अगर आपने किसी भी functions को call किया है और उसको parameter pass किए हैं और अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू के ज़रिए जो है वो पैरामीटर पास किए हैं, यानी कि आपने उस पैरामीटर की वैल्यू को पास किया है, तो जो फंक्शन उस वैल्यू पे कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा तो आपका जो ओरिजिनल वेरिएबल है वो अफेक्ट नहीं होगा. जो फंक्शन कुछ भी उस वैल्यू पे कोई मैनिपुलेशन करेगा, कोई प्लस करेगा, कोई माइनस करेगा, या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी करेगा, तो वो फंक्शन जो है वो जस्ट एक न्यू वैल्यू पे जो है फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, ना कि आपके ओरिजिनल वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज करेगा. तो लेट्स एक्सप्लोर बाय प्रोग्रामेटिकली के हम इसको कैसे प्रोग्राम में कॉल बाय वैल्यू का यूज करेंगे. और हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड फाइल स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन फंक्शन और कर्ली ब्रेसेस. अब यहाँ भी एक लोकल वेरिएबल मैं ले रहा हूँ जो कि आई के नाम से, और इसको इनिशियलाइज करवा रहा हूँ मैं 10 से. और अब मैं इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊँगा, एक मैसेज पुट करूँगा पहले, द वैल्यू ऑफ आई इन मेन फंक्शन इज, और इसको मैं डिस्प्ले करवाऊँगा आई की वैल्यू को. और इसी तरह अब मैं यहाँ पे इस मेन के बाद एक फंक्शन जो है उसको डिफाइन करूँगा, जिसका मैं नाम जो है वो कोई भी मैं रख सकता हूँ. जैसे मैं फन रख रहा हूँ इसका नाम, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस. ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन एज ए पैरामीटर इसने इस आई की वैल्यू को लेना है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो इंटीजर आई में कर देता हूँ. और इसको यहाँ पे मेन में मुझे कॉल करना है, मेन में मैं इसको कॉल कर रहा हूँ. और इस फंक्शन ने जो है इस आई की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके और इसी आई में ही स्टोर करना है, तो इसको मैं इस तरह इस स्टेटमेंट के ज़रिए जो है आई की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके इसी आई में स्टोर करवा दूँगा. तो ये फंक्शन जब आई की वैल्यू को यहाँ पर लेगा एज ए पैरामीटर, तो ये आई की वैल्यू होगी 10, तो इस पे जो है जब ये मल्टीप्लिकेशन होगी तो आई की वैल्यू 20 हो जाएगी. लेकिन ये जो फंक्शन जब कॉल किया है तो मैंने इसको यहाँ पे इस आई की वैल्यू को पास करना है. ये जो आई की वैल्यू है इस मेन फंक्शन में 10 है, जो कि मैंने इनिशियलाइज करवाई हुई है. और जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो इस आई की वैल्यू के साथ कर रहा हूँ, इसी को कहते हैं कॉल बाई वैल्यू. मैं इसको यहाँ पे कमेंट्स में कर रहा हूँ कॉल बाई वैल्यू. कॉल बाई वैल्यू से मुराद ये है कि आपने जो वैल्यू है वो पास की है, यानी कि आई की जो वैल्यू है वो 10. तो यहाँ पे आई लिखने का मकसद यही है कि यहाँ पे आप 10 पास कर रहे हैं. जब ये फंक्शन कॉल होगा तो 10 यहाँ पे आ जाएगा. लेकिन यहाँ पे ये समझने वाली बात ये है कि ये जो फंक्शन के पैरामीटर है इसमें आई जो है ये अलग से वेरिएबल है. ये इस फंक्शन में एज अ पैरामीटर जब यहाँ पे आई की वैल्यू ये वाली 10 आती है, तो ये वाला जो वेरिएबल आई है ये अलग है और ये जो वेरिएबल है ये अलग है. क्योंकि आपने फंक्शन को कॉल किया है विद वैल्यू, तो इसलिए ये जो आई की वैल्यू 10 है वो इस वेरिएबल में असाइन हो जाएगी. ये इस फंक्शन के पैरामीटर में आई वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी 10 हो गई है. और इस पे जो जब ये आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये जो आपका लोकल वेरिएबल है या पैरामीटर है इसकी वैल्यू में चेंजेस हुई है, ना कि इस वैल्यू में चेंज हुई है. ये ओरिजिनल वैल्यू आपकी आई जो है ये एज इट इज़ ही रहेगी, जबकि ये जो चेंजेस हो रही हैं ये इस आई की वैल्यू में हो रही हैं. ये अलग से है, ये अलग से वेरिएबल है. और इस फंक्शन को जब आप कॉल कर रहे हैं और इसको पास कर रहे हैं तो इसी को कॉल बाई वैल्यू कहते हैं. जब आप आने वाली वीडियो में कॉल बाई रेफरेंस पढ़ेंगे तो देन आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस. अभी सिर्फ ये समझें कि कॉल बाय वैल्यू का मकसद क्या है.
तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू आपकी सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो इसकी जब आप आउटपुट करते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको करवाता हूँ सी आउट, अगर करवाऊँ तो यहाँ पे वही मैसेज मैं अगर डिस्प्ले करता हूँ एज इट इज़, मैं यहाँ से मैसेज कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और देन जो है वो मैं आई की वैल्यू को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ये मैसेज जो है ये 10 डिस्प्ले करेगा क्योंकि ये इस वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है। ये मैसेज जो है ये आई वैल्यू को ही डिस्प्ले कर रहा है लेकिन इस आई की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहा है जो कि 20 हो चुकी है। और अब अगर दोबारा मेन में दोबारा इस आई की वैल्यू को डिस्प्ले करूंगा तो वो कौन सी वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, 10 को करेगा कि 20 को डिस्प्ले करेगा? तो ये जो है, ये जो तीसरा मैसेज है, ये दोबारा 10 को ही शो करेगा। उसकी वजह ये है कि ये यहाँ पे मेन में ये 10 वेरिएबल, ये जो आई की वैल्यू वो 10 ही है, वो चेंज नहीं हुई। तो इसलिए यहाँ पे ये जो थर्ड आपका मैसेज है ये वाला, ये दोबारा 10 ही शो करेगा। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ आई इन बैक ऑफ मेन फंक्शन, कुछ इस तरह का चेंज कर लेता हूँ। सेव करता हूँ। कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ, अगर कोई एरर नहीं होगी तो ये रन हो जाएगा। लेकिन इसमें एरर है कि ये जो फंक्शन है ये डिक्लेयर नहीं किया, ये ऊपर यहाँ पे इसकी प्रोटोटाइप नहीं दी हुई। तो ये प्रोटोटाइप देने का तरीकेकार ये है कि आप इसको यहाँ से कॉपी करें इस लाइन को जस्ट, और यहाँ मेन से पहले कंट्रोल वी करें और एंड करें विद सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन यहाँ पर लगाना है आपने डिक्लेरेशन, इसको बोलते हैं या प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन बोलते हैं, प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन। इसको सेव किया, दोबारा कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, कोई एरर नहीं होगा तो रन हो जाएगा। तो ये रन हो चुका है। इसमें जस्ट जो है वो न्यू लाइन का करेक्टर हमने ऐड नहीं किया, इसलिए वो एक ही लाइन में वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर रहा है सभी की। तो ये देखें, दी वैल्यू ऑफ आई इन मेन फंक्शन वो 10 इसने शो कर दी, दी वैल्यू ऑफ आई इन मेन फंक्शन उसने 20 शो कर दी। ये मेन फंक्शन नहीं है यहाँ पे, ये मैं चेंज कर देता हूँ आपको, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ये मेन फंक्शन नहीं है, यहाँ पे मेन की जगह पे ये वाला फंक्शन आप लिख लें और इसको जो है दोबारा और न्यू लाइन का करेक्टर भी ऐड कर लेते हैं ताकि जो है वो नेक्स्ट लाइंस पे डिस्प्ले हो वैल्यूज। और सेव करते हैं, दोबारा कंपाइल एंड रन करते हैं। ये रन हो गया, मैं इसको जूम कर रहा हूँ। अब ये देखें, द वैल्यू ऑफ आई इन मेन फंक्शन इज 10, द वैल्यू ऑफ आई इन फन फंक्शन इज 20 और दी वैल्यू ऑफ आई बैक इन मेन। ये दोबारा जब आप मेन में कॉल करते हैं आई की वैल्यू को तो दोबारा उसने 10 ही शो की है क्योंकि उसने ओरिजिनल जो आई की वैल्यू है उसमें फंक्शन ने कोई चेंजेस नहीं की, उसने अपने जो लोकल पैरामीटर था उसी वैल्यू में चेंजेस की थी। तो उसने वहां पे जो अगर आउटपुट डिस्प्ले करवाई उसने 10 की बजाय 20 की है, लेकिन मेन में वही आपकी ओरिजिनल वैल्यू 10 ही रही है। होपफुली ये जो प्रोग्राम है आपको समझ आ गया होगा और कॉल बाई वैल्यू का पर्पज़ क्या है, कॉल बाई वैल्यू से मुराद क्या है, कैसे आपने फंक्शन कॉल करने हैं और वेरिएबल या पैरामीटर उसमें पास करने हैं जिसको आप कॉल कर रहे हैं विद वैल्यूज। आई होप दिस वीडियो क्लेरिफाइड दीज कंसेप्ट फॉर यू। इफ यू एंजॉयड इट डोंट फॉरगेट टू गिव इट ए थम्स अप, शेयर इट विद योर फेलो प्रोग्रामर्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट। टेक केयर एंड बाय बाय।